नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम करण अर्जुन के तीखे तीर। मैं हूं करण। मैं हूं अर्जुन। करण अर्जुन के तीखे तीरों का सामना करने के लिए आज हमारे बीच है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद हुड्डा साहब। पहला क्वेश्चन यही कि केंद्र सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार को 3 साल 7 महीने पूरे हो चुके हैं, आप इन्हें किस तरह देखते हैं? देखिए, जो केंद्र सरकार का सवाल है, जो आशा लोगों की थी वो निराशा में बदल चुकी है, क्योंकि बहुत सारे वायदे किए थे, जैसे 15-15 लाख रुपए मिलेंगे और बहुत सारे वायदे थे, लेकिन उस वो वायदा नहीं पूरा कर सकी केंद्र सरकार। और जहाँ तक हरियाणा सरकार का सवाल है, ये तो विफल सरकार है, ये तो हर मोड़ पर हर उस पर विफल सरकार है, क्योंकि एक भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया। जैसे जब ये सरकार बनी शुरू में, तो मैंने कहा था भाई देखिए, बहुमत होता उसकी सरकार बनती है, लोगों ने बहुमत दिया है, लोगों को आशा है, और कोई भी ये सरकार अगर अच्छा कार्य करेगी, जनहित का कार्य करेगी, तो मैं इसकी सराहना करूंगा। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हरियाणा में तकरीबन 4 साल ही हो गए इस सरकार को, ये सरकार जो है कोई भी एक ऐसा भी जनहित का कार्य नहीं किया जो मेरे को सराहना करनी पड़े। जितने फैसले लिए हैं, जितने काम किए हैं जन विरोधी और लोगों को परेशान करने के लिए। आप हमेशा कहते रहे कि जो हरियाणा सरकार है यू टर्न की सरकार है, कोई फैसला लेती है उससे पहले ही यू टर्न ले लेती है। अगर आपके 10 साल के कार्यकाल की बात करें, आप कुछ मोटे मोटे काम गिना सकते हैं किस तरह जो आपने मोटे मोटे काम किए उन 10 सालों के दौरान? देखिए, 4 साल के करीब इनको भी हो गए, 10 साल के अगर आप देखेंगे कार्य, तो इतना विकास हुआ है प्रदेश में। जैसे आप सबसे पहले जो विकट समस्या थी जब हमने सत्ता संभाली 2005 में, वो बिजली की थी, और बिजली मुद्दा ऐसा था उसने सरकारें कई उल्टी की हुई हैं और कई पलटी हुई, हर चुनाव में बिजली एक मुद्दा होता था। लेकिन 2009 और 2014 में ये मुद्दा नहीं था बिजली, क्योंकि इस दौरान 10 साल के दौरान हमने 4 नए पावर प्लांट, 1 न्यूक्लियर प्लांट, 5-8 हज़ार मेगावाट की क्षमता की नई बिजली कुछ पैदा हुई, कुछ इन प्रोसेस में थी। जैसे न्यूक्लियर प्लांट में तो टाइम लगता है, लेकिन और 4 प्लांट कार्य करने शुरू हुए, तो ये हुआ। और इनकी सरकार आने के बाद एक भी मेगावाट का इजाफा नहीं हुआ, बल्कि बिल फुल और बिजली गुल हो गई। अपना हिस्सा जो था झाड़ली पावर प्लांट में, वो भी अपना हिस्सा इन्होंने सरेंडर कर दिया। इस प्रकार से आप आगे देखें, शिक्षा के सवाल, शिक्षा हरियाणा में एक शिक्षा हब बनने वाला, तो इस प्रकार से हमने पूरे हरियाणा को शिक्षा का हब दिया। तो इसी प्रकार से जो नेशनल हाईवेज हैं उनका तकरीबन 1900 किलोमीटर के करीब हमने निर्माण का उसका किया, एवरेज हर साल जो है 178 किलोमीटर आती थी, और ये सरकार आने के बाद 37 महीने, 3.5 साल, 4 साल होने को है, इनकी कुल 38 किलोमीटर सड़क बनी है और एवरेज 11 किलोमीटर आई है। अब आपने अपने कार्यकाल की बहुत सी बातें गिनवाई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इस बात का भी श्रेय लेते हैं कि जो रोजगार की अगर हम बात करते हैं, तो उनका कहना है कि हमने मेरिट के आधार पर जो है नौकरियां दी हैं, लेकिन आपकी सरकार के अंदर जो नौकरियां हैं वो एक विशेष क्षेत्र के लोगों को दी गई है। बिल्कुल, इनका ये तो इनकी नौकरियां तो फुल खुल गया, हमारे समय तो पूरे मिली, एक भी हमारे समय की चयन की हुई नौकरियां कोई कोर्ट ने वो नहीं की, और सब मेरिट पे हुआ काम, और खूब नौकरियां दी। इस सरकार ने नौकरियां देने का काम तो नहीं किया, छीनने का जरूर काम किया है। 50,000 लोग जो नौकरियों पर लगे हुए थे वो बेरोजगार करने का काम किया। हमने 15,000 तो चौकीदार लगाए, एक क्षेत्र में थोड़ा ही लग सकते हैं ग्राम चौकीदार, 12,000 सफाई कर्मचारी लगाए, एक क्षेत्र में थोड़ा ही गाँव में लगाए, गाँव के लगा एक कलम से लगाए 9,000 हमने सफाई कर्मचारी। इसके तरह सब टीचर्स, जो मान लो आप भिवानी डिस्ट्रिक्ट लें, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में जितनों ने JBT कर रखी थी सब टीचर लगे वहाँ, महेंद्रगढ़ में लगे, हर इलाके में लगे हैं। और इनकी जहाँ तक नौकरियों का सवाल है, और जो ये इनकी जो बात कहते हैं पारदर्शिता, वो तो पोल खुल गई। जो इनका कमीशन है, सबॉर्डिनेशन सर्विसेज का जो कमीशन कहते हैं, सिलेक्शन सर्विस कहते हैं, वो सबॉर्डिनेशन सर्विस कमीशन थोड़ा ही है, वो तो मतलब लिस्ट लगी हुई है, नीलामी लगी हुई है। इसी से जुड़ा ही एक सवाल है, अभी हाल ही में जो इनेलो नेता है अभय सिंह चौटाला, उन्होंने कहा है कि
यदि हमारी सरकार आती है तो हम जो नौकरियां हैं वो सबसे पहले कार्यकर्ताओं को देंगे। आपके अनुसार नौकरियां किस हिसाब से होनी चाहिए? नहीं, नौकरियां सब मेरिट पे होती हैं, बाकायदा उसका टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। नौकरियां सरकार का काम है, नौकरियां देना, छीनना नहीं है। आधार कोई नहीं होता इसका, सब सम्मान आधार होता है। और इस सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, ये तो खुली लूट है भाई। लिस्ट लगी हुई है जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, वो क्या है उसका मतलब क्या है? वो तो काउंटर है, सर्विसेज सेल काउंटर बन गया, सर्विसेज सेल्स काउंटर। और इसमें क्या शक है? अब पूरा आपका बोर्ड का चेयरमैन जो है वो आपका देख रहे सस्पेंड, कभी सुना आपने? तो इससे ज़्यादा टकोसलेबाजी किसी की नहीं हो सकती। अब इनकी पोल खुल चुकी और जो गुब्बारा इनका पोल का गुब्बारा फट चुका है और सब लोगों को पता लग गया कि इन्हें तो नौकरियां नीलामी लिस्ट लगी हुई थी, फलाने नौकरी लगनी है तो इतने लाख रुपए। अब कुछ अंदर पकड़े हैं, कुछ पढ़े हैं, और कि जो भी इन्होंने किया है रिटर्न टेस्ट का कह रहे हैं, कितने रिटर्न टेस्ट पेपर लीक हो चुके, पेपर लेते हैं लीक हो जाता है, कैंसिल करते हैं। तो इस प्रकार से जो हुई है, और 50,000 से ज़्यादा बेरोजगार कर दिए। रेखा, मैंने आपसे यही सवाल अपने SSC का जिक्र किया, SSC के जो चेयरमैन थे भारती साहब, उनके ऊपर कई आरोप लगे, पेहवा की जो CDI वो आरोप लगा, नौकरियों में धांधली का आरोप लगा, तब सरकार ने हटाया। देखिए वो तो अकेला की बात आई, तब सरकार ने नहीं, वो तो एक अकेला जो है बलि का बकरा बनाने की, जो है जिस प्रकार से नौकरियां बिक रही थी, अकेले उसकी काम नहीं है, इसके पीछे सरकार स्वयं है। नहीं, मेरा यही सवाल था, जब बात नौकरियों में धांधली की आई, करप्शन के आरोप की आई, तब सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। जब बात एक जाति की आई, जाति सूचक के सवाल पूछा गया, तब सरकार ने एकदम हटा दिया। आपको इस सरकार का फैसला कैसे लगा? ये सरकार के साथ मिलकर सारे जनविरोधी फैसले इनके, ये अपने आप को बचाने के लिए, जो कहते हैं ना कि अपने बचाव के लिए ये फैसला लिया इन्होंने, क्योंकि सीधा सीधा ब्लेम इस सरकार पर आ रहा था। चाहे वो फिशरीज के उसमें सिलेक्शन हुई उसका शोर हुआ, जो हरडा में जो एक पोस्ट थी उसमें मुख्यमंत्री ने पहले लिख दिया फलाने आदमी को सिलेक्ट कर दो, तो ऐसी पारदर्शिता तो कभी देखने में नहीं मिली भाई। आपने सरकार पर निशाना साधा, एक OST को 2 दिन पहले हटा दिया गया, कई OST हटाए गए, इन OST को हटाने को आप कैसे देखते हैं? बार बार सरकार के जो OST थे मुख्यमंत्री साहब, उनको OST को हटा दिया जा रहा है। वो तो दर्शाता है कि ये सरकार कितनी अस्थिर है, कोई भी मतलब फैसला लेने में नहीं, ये सोचते हैं बदलियों से, नाम बदलने से, और मतलब झूठे मुकदमे बनाने से, बदला लेने से काम चल जाए, लेकिन लोगों को काम चाहिए भाई। हरियाणा कांग्रेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल एक कहावत है, एक अनार 100 बीमार, और ये आजकल हरियाणा कांग्रेस में फिट बैठती है, क्योंकि सबकी राहें जो है वो अलग अलग हैं, लेकिन सबका जो मकसद है वो मुख्यमंत्री बनना है। भारतीय जनता पार्टी में क्या है, वहाँ तो केंद्र में मंत्री बैठे हैं, वो कहते हैं हमारी तो ये अच्छी इच्छा है, हमारे यहाँ तो कोई इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है, राजनीति में जो इच्छा रखी जाती है कोई बात नहीं, लेकिन वो पार्टी का फैसला अपने तरीके से होता है। आपने इसी में अपनी पार्टी की साथ साथ BJP की बात की, राव इंद्रजीत CM को टारगेट करते हैं, राजकुमार सैनी CM के खिलाफ बोलते हैं, अश्विनी मीना CM के खिलाफ बोलते हैं, चौधरी वीरेंद्र CM के खिलाफ बोलते हैं, काफ़ी मौकों पर देखने को मिला है, आप BJP की इस गुटबाजी को आप कैसे देखते हैं? भाई वो भी एक वर्ग है, मैं कहता हूँ हर वर्ग इस सरकार से विमुख है, वो MPO का भी एक वर्ग है, एक क्लास तो है ना, तो वो कोई समाज से बाहर थोड़ा ही, क्योंकि कोई काम ही नहीं हो रहा। हर वर्ग, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, विधायक है, खिलाड़ी है, कोई शहरी है, ग्रामीण है, सारे वर्ग इस सरकार के विमुख। हुड्डा साहब, जो भी आपके गुट के नेता हैं वो समय समय पर एक माला जपते हैं आजकल कि हुड्डा साहब को कमान देनी चाहिए। मेरा कोई गुट नहीं है। जो भी आपके गुट के नेता हैं, मेरा कोई गुट नहीं है, नहीं आपके कहने से नहीं मनता ना, तो मेरा कोई गुट नहीं है, तो वो कहते मेरा है? मेरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। आप कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व कामयाब रहेगा, इंडिविजुअल नेतृत्व देना होगा, आपको क्या लगता है? ऐसा है, कांग्रेस में हर व्यक्ति की जरूरत होती है। नहीं, कांग्रेस में हर व्यक्ति की जरूरत, फिर भी जो एक वर्ग, ये फैसला की तरह, ये फैसला प्रस्ताव करके हमने राहुल गांधी पे छोड़ रखा है हरियाणा कांग्रेस में, जो वो समझेंगे उसका फैसला करेंगे, सबको मान्य होगा। आपने बात की राहुल गांधी के पास प्रस्ताव जा रखा आपके पार्टी अध्यक्ष से, आपको क्या लगता है जो हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल काफी समय से पूरा हो चुका है, कब तक फैसला वो जाएगा? कार्यकाल पूरा, अरे भैया कार्यकाल पूरा हो चुका है, जब भी तो प्रस्ताव किया है, अब राहुल गांधी जी बता देंगे, आप उनसे पूछ लेना। साहब, जब भी आप
फील्ड में उतरते हैं तो जांच एजेंसियां जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। क्या लगता है कि आपको इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि क्या सरकार को लगता है कि हुड्डा साहब से कोई खौफ है या फिर हुड्डा साहब को कमजोर करने की पहल है? कौन सी जांच है? कोई भी सीबीआई झूठे मुकदमे, उनमें क्या निकलना है? कोई गलत काम हुआ ही नहीं हमारे समय। आपकी साख पर कोई सवाल ना, कोई मतलब ही नहीं, कोई गलत काम हुआ ही नहीं। कई बार सरकार के मंत्री कह देते हैं, मेरे को तो इस पे जुडिशरी पे पूरा विश्वास है, क्योंकि झूठी बातें चलती नहीं, बेआधार है, बिना आधार के। बाकी सब जुडिश मैटर के बारे में इससे ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। नहीं, मैं इसी में एक सवाल ऐड करना चाहता हूँ। सरकार के मंत्री कहते हैं कि पहले हुड्डा साहब कहते थे कि जांच करवा लीजिए, कि और अब जो हुड्डा साहब घबरा रहे हैं, आपको क्या लगता है जो जांच एजेंसियाँ आपके मामलों की जांच कर रही हैं? मैं क्या घबरा रहा हूँ? मैं घबरा रहा हूँ, ये घबरा रहे हैं, इनको रात को सपने में मैं दिखता हूँ। मेरा क्या घबरा रहा है? मैं एक स्वतंत्र सेनानी परिवार में पैदा हुआ भाई, इन चीज़ों से नहीं घबराता मैं, क्यों? मेरे को मालूम है हमने गलत काम कर ही नहीं रखा। ये तो उनकी सोच है ना, वो घबराहट में बोल रहे हैं ऐसे। आप हमेशा एक बात बोलते हैं, वो किसानी बिल्ली खंबा नौचाई करती है। आप बोलते हैं कि अगर हरियाणा में तूफान भी आ जाएगा तब भी आपका नाम लिया जाएगा सरकार की तरफ से। तूफान आ जाए या कहीं दूसरे विदेश में भी कोई वो हो जाए तो उनको यही होगा, इनने कर दिया, आप देख ही रहे हैं। इसके बगैर सिर पैर के इल्जाम लगाना। किसानों की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें लागू करने की बात थी, आपकी जब सरकार थी तो खुद जो आज मंत्री बने बैठे हैं वो नंगे होकर सड़कों पर घूमते थे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए, लेकिन अब वो चुप्पी साधे। वो 2100 रुपया गेहूँ की कीमत मांग रहे थे, अब वो पता नहीं कहाँ हैं। वो तो आपने देखा ही है, ये तो इनका कार्य ऐसा है। एक सफाई आज पूरा हरियाणा सड़ रहा था, और पहले आपने देखा सफाई के लिए जो स्वच्छता अभियान में सब फोटो खिंचवा रहे थे, फोटो खिंचवाने वाले पता नहीं कहाँ गए। तो ये तो इवेंट मैनेजमेंट की गवर्नमेंट है, कोई सरकार नहीं है ये। आप मानते हैं सत्ता आते ही क्या जो नेता हैं वो उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, क्योंकि जब पहले आपकी सरकार थी जब वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने की कहते थे, लेकिन आप वो भूल गए, क्या याददाश्त कमजोर हो जाती है जब सत्ता की कुर्सी मिल जाती है? नहीं, इनका तो झूठे वायदे, इन्होंने तो 154 वायदे किए। आप देखिए मैनिफेस्टो, नहीं ऐसी बात नहीं है, सत्ता हमारे को भी मिली थी। आप मेरा 2005 का मैनिफेस्टो देखा उठाएं और 2009 का मैनिफेस्टो उठाएं और एक भी उनमें से निकाल देंगे वायदा पूरा नहीं किया हो तो मैं मान जाऊंगा आपको। और इनका मैनिफेस्टो उठा लो 2014 का, अगर एक भी वायदा पूरा किया हो तो मैं इनको कह दूंगा बहुत अच्छा काम किया, इनका अप्रिशिएट करो। एक ब्रेक ले लेते हैं, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तीसरे टीम के सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हुड्डा साहब, ब्रेक से पहले आप कह रहे थे खिलाड़ियों का आपने जिक्र किया, मौजूदा सरकार जो आपकी सरकार के समय में खिलाड़ियों को पद मिले थे, चाहे डीएसपी के पद, उनको चैलेंज करने की बात कह रही है, आपकी पॉलिसी पर सवाल खड़े कर रही है, हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई खास नौकरी खिलाड़ियों को नहीं दी गई है। मैंने बताया ना, कोई भी एक फैसला तो जनहित का है ही नहीं इनका। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बजाय उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं, यही कारण है हम अपनी जगह से खिसक रहे हैं नीचे। हरियाणा खिलाड़ी जो है कॉमनवेल्थ में जाता है, ओलंपिक्स में जाता है, एक स्टेट की तरफ से नहीं खेलता है, देश की तरफ से खेलता है, वो देश का खिलाड़ी होता है। देश के खिलाड़ी वो उसमें हमारे प्रदेश का भी सम्मान में होता है, देश का भी सम्मान बढ़ाते हैं। अगर सरकार उन खिलाड़ियों का सम्मान नहीं करती जिन्होंने पद जीते, तो क्या उसके लिए आप सड़क पर आएंगे, उनकी आवाज़ उठाएंगे? मैं तो कह चुका हूँ, मैंने पहले भी आप लोगों ने पूछा था, वही हमारी सरकार आएगी तो डंके की चोट से वही हम पॉलिसी चलाएंगे और इनको प्रोत्साहित करेंगे और ज़्यादा ज़्यादा इनाम भी बढ़ाएंगे, और उनके जिस खिलाड़ी के माँ या बाप हरियाणा के होंगे वो देश के लिए खेलेगा, किसी भी डिपार्टमेंट से खेले, कहीं से भी खेले, उसको हम सम्मानित करेंगे। इसमें जो तकरार आप क्या समझते हैं, क्योंकि हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज कभी उनका विरोध करते हैं मुख्यमंत्री का, इसकी वजह से जो खिलाड़ी जो हैं उनको अभी तक सम्मान नहीं मिल पा रहा है, मानते हैं? मैंने कहा ना, सरकार के तो कोई नीति और वो है ही नहीं, नीयत, ये बातें नीयत से होते हैं। देखो कोई भी सरकार, दो तीन चीज़ जरूरती है उसमें, नीति सरकार की क्या है, नीयत क्या है,
उसका नेता कौन है? जब तक तीनों का वो ना हो तो काम चलता नहीं है। तो इस सरकार की ना तो नीति है ना नियत है, नेता का पता ही नहीं कौन है। लेकिन अब बीजेपी सरकार कहती है कि हमने क्षेत्रवाद को खत्म करके सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। आपको लगता है कि सबका ऐसा है? इससे ज्यादा पोल किसी सरकार की खोल नहीं सकती। इनका सबका साथ सबका विकास छोड़ दो, हाँ ये तो है सबका साथ अपना विकास हरियाणा का नाश, ये करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो आपने कही आरोप लगाते थे ये बात, जब मेरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुख्यमंत्री का जलसा हुआ तो मुख्यमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो यहाँ कुछ काम ही नहीं कर रखा, तो कौन सी बात सच है? आपने मुख्यमंत्री साहब का जिक्र किया, मैं घटना जिक्र करता हूँ जो हिसार में हुई। एक व्यक्ति की तरफ से तेल फेंक दिया गया, बाद में कहा गया कि वो कुलदीप समर्थक है, कहा गया कि वो नेहरू समर्थक है, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं इस घटना को कभी वो नहीं करता हूँ, प्रजातंत्र में विरोध करने के तरीके हैं, लेकिन तेल फेंकना ये प्रजातांत्रिक तरीका नहीं है, इस बात का मैं विरोध करता हूँ। जो भी व्यक्ति था कहा गया कि जो भी व्यक्ति हो गलत है, इस राजनीति जो मैं कह रहा हूँ इस बात का मैं विरोधी हूँ इन चीजों का। अगर तंवर साहब अपनी साइकिल यात्रा में हुड्डा साहब को बुलाते हैं, मैं व्यक्तिगत बातें नहीं किया करता हूँ। हुड्डा साहब मैं व्यक्तिगत बातें नहीं किया। एसवाईएल की बात कर लेते हैं, हर चुनाव में एसवाईएल एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। जब भी चुनाव खत्म हो जाता है तो एसवाईएल भी गुम हो जाता है। चुनाव की जैसे ही सुगुगाहट शुरू होती है फिर एसवाईएल का जो पार्टियां जो है एसवाईएल को लेकर के शुरू हो जाती है। आपको क्या लगता है, आपकी भी सरकार रही, अब बीजेपी की भी सरकार रही और इनेलो की भी सरकार रही थी हरियाणा में, लेकिन पानी जो है एसवाईएल तक का अभी भी हरियाणा के लोगों को नहीं मिल रहा है, उसका उसके लिए कौन दोषी है? जो लोग दोषी हैं वही अब जो इस बात को कह रहे हैं। एसवाईएल का मुद्दा बहुत पुराना है। एसवाईएल अगर जितनी खुदी है, जो एसवाईएल का फैसला हुआ है वो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस पार्टी में किया है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है उसका भी आधार इंदिरा गांधी अवार्ड और लोंगवाल राजीव गांधी समझौता है, समझेंगे, और इसी वास्ते सुप्रीम कोर्ट में था फैसला। जो पंजाब ने वो किया था उस समय मैं सांसद था और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति को रेफरेंस किया, इसका फैसला हुआ है हरियाणा के हक में हुआ है। लेकिन ये विलंब क्यों हुआ है, उस विलंब के लिए कौन दोषी है? उस दोषी के लिए, उस विलंब के लिए पूर्ण रूप से दोषी इनेलो है, क्योंकि आपको याद होगा डोंगवाल और राजीव समझौता जब हुआ लागू उसके अनुसार खुदाई शुरू होगी, 90% पंजाब में काम शुरू हो गया, हरियाणा में सारा काम हो गया। बंसीलाल ने सारे सबको दिखा दिया, सरपंचों को बंसीलाल जी ने एसवाईएल को देखते हुए, उसका विरोध किसने किया? न्याय युद्ध का नाम लेके इनेलो के जो उस टाइम और कुछ नाम हुआ इस पार्टी का, उन्होंने किया था और काम रुकवा दिया, क्योंकि ये प्रकाश सिंह बादल से मिले रहते हैं, प्रकाश सिंह बादल से इनका अलायंस रहता है। आप इनेलो को दोषी ठहराते हैं, लेकिन इनेलो कहते हैं कि अम्बाला में नहर को खोद के आए और इनेलो बीएसपी के साथ मिलकर गिरफ्तारियां दे रही है पानी के लिए। अरे अरे ये इनका जो है ना मगरमच्छी आंसू है, इन्हें पहले भी कहा था इन्होंने, प्रकाश सिंह बादल में मुख्यमंत्री थे ना पंजाब में, उस समय उनसे बात करके कहा था चलो हम नहर खोद के आएंगे, वहाँ सड़क खुरच के आगे कौन सी नहर खोद के आगे, सड़क पर खुरचन लगा के आगे, तो ऐसा ही काम नहीं कर सिर्फ इसमें क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं भाई। अब आप ये बताएं कि संत राजीव लोंगवाल का विरोध किया था कि नहीं किया था, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया जिस आधार पे मांग रहे हैं उसका आधार क्या है? राजीव लोंगवाल समझौता है कि नहीं है? फिर इनेलो बीएसपी के साथ है, कर्नाटक में सोनिया गांधी मायावती के गले लगती है, यहाँ पर आप कैसा दिखता है कि इनेलो ऐसा है? इनेलो कभी बीजेपी के साथ भी थी, आज बीजेपी के साथ क्या उसका व्यवहार है? इनेलो पहले बीएसपी के साथ भी थी, उसका क्या व्यवहार है? ये जो इनेलो बीएसपी के साथ यहाँ आई है, इन्हें आप देखेंगे उसका हशर वही होगा जो पहले हुआ था। अगर आप कुछ सवाल आपकी रथ यात्रा से संबंधित कर लेते, आपका रथ निकल चुका है, जो रथ यात्रा की अगर बात करें किस तरह का रिस्पॉन्स? जन क्रांति यात्रा है, जन क्रांति यात्रा है, क्रांति रही है जनता के लिए, किस तरह की क्रांति रही आपकी लड़ाई है? नहीं देखिए ये जनता के लिए, जनहित के लिए, पहले भी हमने उससे पहले किसान सम्मेलन किए, हमने दलित सम्मेलन किए, व्यापारी सम्मेलन किए, वहाँ जगह जगह सबसे जाके बात करी,
लोग जो परेशान हैं उनको उनसे साझा किया, उनसे बात लिया। तो उस समय तो हमने जनता को जगाने का काम किया था, और अब जो है ये जो यात्रा जनक्रांति निकाली है वो इस सरकार को भगाने का काम। पिछले दिनों अभी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि मोदी को रोकने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए, और हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार भी बनी है जिसमें इनारो नेता अभय सिंह चौटाला भी शपथ ग्रहण समारोह में गए थे। आपको क्या लगता है हरियाणा में ऐसे समीकरण बन सकते हैं कि इनारो कांग्रेस के साथ हो सकते हैं? नहीं तो अभय सिंह चौटाला से पूछो, जो इन्होंने पहले ये बयान दिया चौटाला जी ने कि कांग्रेस के साथ नहीं हो सकता, तो मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? अगर देखा दोहरी भाषा मैं नहीं बोलता हूँ, कांग्रेस खुद में सक्षम है, उसको किसी के साथ जरूरत नहीं है। आप उनसे पूछो। नहीं, राव साहब ने एक बात और बोली, आप उनसे पूछो, उनकी उनका सवाल मेरे से क्यों पूछ रहे? नहीं, फिर भी राव साहब ने एक बात बोली कि उनको मुख्यमंत्री से उम्मीद नहीं है। मैं बता रहा हूँ, उनसे पूछो, उनका जो जवाब होगा मेरे को बताओगे, फिर मैं रिएक्ट करूंगा। नहीं, इस बात का मतलब कि नहीं, मैं तो किसी सांसद को पहले उनसे पूछो। थोड़ा सा चुनाव की किस तरह की तैयारियां हैं, आप नज़दीक हैं? तैयारी पूरी तैयारी है चुनाव, और इनका सुपड़ा साफ होने है। लेकिन नहीं लगता कि इनेलो बीएसपी गठबंधन के बाद थोड़ा मजबूत हो चुकी है, खुद मुख्यमंत्री रो पहले भी हुआ था भाई गठबंधन, पहले भी था, क्या नतीजा हुआ उसका असर यही होना है। जो मुख्यमंत्री रोड शो करे, उन रोड शो को कैसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री? गांव तो मैंने बता दिया, मैं पहले कह चुका एक बार, वो तो अपना हल्का तलाश कर रहे हैं। लेकिन हल्का तलाश कर रहे हैं पर उन्होंने कहा तो इसका मतलब दूसरी बात ये है कि उनको लोगों पब्लिक मीटिंग में लोग नहीं आ रहे, तो इस वास्ते रोड शो कर रहे हैं। कहीं जींद में जलसा देखो, कहीं देखो कुर्सियाँ खाली रहती हैं, बेचारे क्या करेंगे, तो यही ऐसे ही करेंगे, रोड शो करेंगे। हरियाणा में पगड़ियों का बड़ा दौर है, क्योंकि आप जब भी कोई रैली करते हैं तो गुलाबी पगड़ी वहाँ पर दिखती है। अब हाल ही में जो इनेलो और बसपा का गठबंधन हुआ है, अभय सिंह चौटाला ने अब नीली पगड़ी भी पहन ली है, तो आप किस तरह देखते हैं, कभी हरी पगड़ी कभी नीली पगड़ी? वो नीली पहन ले, पीली पहन ले, कीली पहन ले, बस लोग समझ चुके हैं उनको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, फिर भी अगर इनेलो की बात करें, आपको नहीं लगता कि बीएसपी से तालमेल के बाद इनेलो कुछ अभी इतने पहले और कुछ पहन रखी थी, आज ये काली पहन आया, पहले दूसरे में था, ये तो इनका तो ऐसे ही काम है। और कांग्रेस में क्या लगता है, जो पगड़ी कल्चर था, जो राहुल गांधी की रैली हुई दिल्ली, उस रैली में जो कांग्रेस का पगड़ी कल्चर खत्म हो चुका है? पगड़ी कल्चर क्या, जो पगड़ी पहनना चाहे पगड़ी पहनो, जो ना पहनना चाहे ना पहनो। अभी हाल ही में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंच के माध्यम से कहा है कि एक बार हरियाणा में कांग्रेस फिर दोबारा से ले आओ, और खुले मंच पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मुझे बना दो, फिर खासतौर पर बांगर का नाम लिया, बांगर का नाम। इसमें क्या बुराई है, इच्छा रखना कोई बुराई नहीं, जो राजनीति में है सब है, तो मेरे बंद तो भी अपनी इच्छा रख ले, मैं मेरे को मुख्यमंत्री बना दो, कह दो क्या बात है, कोई मना थोड़ी करेगा, कोई मना थोड़ा करेगा, कोई आप भाई कोई किसी को मना थोड़ी करता है, सबकी इच्छा है, इच्छा रखना राजनीति में और किस लिए है, इच्छा रखनी चाहिए। बाकी जो है, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो एक इलाका के नहीं पूरे प्रदेश की करता हूँ, हरियाणा को कांग्रेस की सरकार चाहिए, चाहे वो बांगर हो, चाहे बागड़ हो, और चाहे दो। आखिरी सवाल, 10 साल आप मुख्यमंत्री रहे, आपको क्या लगता है कि उन 10 सालों में कोई काम ऐसा रह गया हो जिसका आज भी आपको मलाल है कि आप वो काम नहीं कर पाए, आप बताना चाहेंगे कुछ ऐसा? देखिए, मलाल कुछ नहीं होता, मैं अपने जो मेरा कार्यकाल था मैं उससे संतुष्ट हूँ, कि जो एक शुरू लेके चला था मैं कि बिजली की किल्लत ख़त्म करूँगा, क्यों विकास की धुरी बिजली है, हरियाणा को शिक्षा का आप बनाऊँगा मनाऊँगा, हरियाणा को नंबर वन प्रदेश बनाऊँगा, वो मेरा लक्ष्य पूरा हुआ। लेकिन मेरे को रिग्रेट इस बात का है, अब हरियाणा अपनी जगह से फिसल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब कर्ण अर्जुन के तीरों का बखूबी इन्होंने सामना किया, और कितने कामयाब रहे ये आने वाला वक्त बताएगा। जो इनका सपना है, जो अभी बताया कि कुछ मलाल बाकी रहेगा, उस मलाल को पूरा करने के लिए और कितना मजबूती से आगे बढ़ते हैं। कर्ण अर्जुन के तीरों में फिलहाल इतना ही, अगली बार जुड़ेंगे किसी और बड़े राजनीतिक खिलाड़ी के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए खबरें अब तक न्यूज़ चैनल।